अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का रिव्यू है हमारा करोला 88, जो कि 6th जनरेशन करोला है, और आपके सामने इस वक्त फहद ही इसको ऑन करते हैं और हमारे साथ हैं इस वक्त, वो हमें इसकी डिटेल देंगे। फहद आ गए हैं, 88 वाले फहद। वालेकुम अस्सलाम, शुक्र अल्लाह का। ये इनकी पहचान है, ये गाड़ी माशाल्लाह से जब से हमारी दोस्ती हुई है तो इनने काफ़ी इसमें चेंजेस भी किए हैं और बड़े प्यार से इसको रखा हुआ है। काफ़ी टाइम इस पर स्पेंड किया है, पैसे लगाए हैं और मेहनत एफर्ट तो कीमत नहीं अदा कर सकते। तो बहुत अच्छी चीज़ है, इनने एक ऐसी गाड़ी तैयार की है और लोगों को दिखाने के लिए भी एक अच्छा आइकॉनिक मॉडल है जो लोग काफ़ी पसंद करते हैं 88। और अब तो इसमें खैर काफ़ी मज़ीद चेंजेस किए हैं, तो फहद से पूछते हैं इसकी स्टोरी और कब से इनके पास है ये सारी डिटेल्स। अच्छा जी, आप लोगों ने ये गाड़ी काफ़ी सारे व्लॉग्स और रिव्यूज़ में देखी होगी, बट आज जो व्लॉग है ये हमारा परफॉर्मेंस का जो गोल था वो अचीव करने के बाद का पहला हमारा व्लॉग है। तो शाहरुख भाई, क्योंकि हम मेरे भाई हैं और हमारा ताल्लुक बहुत पुराना है, ये गाड़ी इस तरह नहीं है कि मेरे पास पैसे आए और मैंने गाड़ी बना दी। ये मैंने शुरू की थी जी, तब मैंने बहुत ही एक स्मॉल सेल से शुरू की। ऑब्वियसली बगैर पैसों के तो वो कुछ नहीं होता, बिल्कुल ऐसी है, बट इसको शुरू करना और यहाँ तक पहुँचाने में मुझे 16 से 17 साल लग गए हैं। और मैं ये नहीं कहूँगा कि मैंने कोई इसमें एक साल दो साल छुट्टी भी की, गाड़ी को नहीं देखा, इसमें कॉन्स्टेंटली वर्क होता रहा है। एक वो चीज़ है जो बाज़ाहरी आपको नज़र आएगी गाड़ी के अंदर, एक वो चीज़ें हैं जो गाड़ी के अंदर लगी हुई हैं, बिल्कुल, जो इसके फ्रेम के अंदर रिइंफोर्समेंट हुई हुई हैं, जो इसके ड्राइव लाइन के अंदर रिइंफोर्समेंट हुई हुई हैं, ताकि गाड़ी 300 किलोमीटर पर आवर के लिए बिल्कुल परफेक्टली स्टेबल हो जाए। और इसका गोल भी यही है कि हम 88 को उस स्पीड पे, उस लेवल पे लेके जाना चाह रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अब तो ले गए अल्हम्दुलिल्लाह, कि जो इसकी कैपेसिटी है उससे डबल पे हम इसको अचीव कर गए हैं। बिल्कुल, वरना काफी लोगों का ख्याल ये होता है कि बस 1300, मुझे काफी सारे लोग कहते हैं ये गाड़ी नहीं बनी है, नहीं बनी। तो मुझे काफी सारे लोगों ने ये बात कही कि यार भाई, ज्यादातर तो वो लोग पेशावर से बिलोंग करते थे, हमारे भाई हैं पेशावर में सारे, तो वहाँ पर इस गाड़ी का कुछ और नजरिया है। तो उनके मुताबिक ये है कि यार ये गाड़ी बस एकदम इस तरह बना ली है और भागती है और ये और वो है। तो इसके अंदर बहुत ज़्यादा एफर्ट है, बहुत ज़्यादा इस पर रिसर्च एंड डेवलपमेंट है, बहुत ज़्यादा इसके ऊपर वर्किंग है, कुछ चीज़ छिड़े नहीं, कुछ चीज़ कटे नहीं जी, कोई चीज़ इसकी ख़राब ना हो, अल्ट्रेशन वाली साइड में बेसिकली उनका कहने का मतलब ये कि नहीं गए। हाँ, तो ये एक हमारा गो थ्रू था, ओवरव्यू था ऑफ हाउ दिस कार वॉज मेड जी। उसके बाद जब हम बात करते हैं रिगार्डिंग इंजन, जो अभी हमने किया है और जिसके अभी हम लोग व्लॉग शाहरुख भाई बना रहे हैं, और पहला होता भी आपको पता है हमारे रिव्यूज़ में होता ही है कि हम बॉडी सारी चीज़ें कवर करने के बाद इंजन पे आते हैं, तो आज पहले हम स्टार्ट इंजन से कर रहे हैं, क्योंकि वो एक यूनिक सी चीज़ है, उस पर एक एफर्ट की हुई है, और प्लस ये कि उसका हुड नहीं है। हाँ, हुड भी नहीं है जी जी, इंजन के अंदर कोई चीज़ पेंटेड नहीं है, एवरीथिंग इज़ रॉ। ये चीज़ क्रोम थी, लेकिन आप थोड़ी ओढ़ के, खैर रॉ है रॉ, सिर्फ जो काम हमने किए हुए हैं वो चीज़ें आपको नज़र आएंगी, बिल्कुल ऐसी है। ये गाड़ी है 3SGTE का इंजन है, ये जिस गाड़ी में आया है वो MR2 SW20 है, आप गूगल कर सकते हैं SW20, उसका ये इंजन है, 3rd जनरेशन 3SGTE है। और मैं अगर गलत नहीं कह रहा, सबसे जो रफ एंड टफ इंजन था वो ये 3rd जनरेशन था, वो सबसे ज़्यादा बूस्ट भी बर्दाश्त करता है। इसका ब्लॉक, बेसिकली इसका ब्लॉक स्ट्रक्चर बहुत स्ट्रॉन्ग है एज़ कम्पेयर टू 4th एंड 5th जनरेशन इंजन्स। तो ये महंगा भी इसलिए बहुत ज़्यादा है, 4 सिलेंडर के अंदर मेरा ख्याल इससे तगड़ा इंजन कोई नहीं, यही इंजन JTC जो सुपरा में डला था, जिस दिन JTC जीता था जी जी, बैक इन 1990s, तो सुपरा के अंदर ये इंजन यूज़ किया गया था रेस जीतने के लिए GTR के अगेंस्ट। सही, तो GTR के अगेंस्ट जब उसने रेस जीती थी सुपरा ने, तो वो इस इंजन पे जीती थी। अभी भी कुछ वीडियोस हैं, एक बल्कि 88 ही है जी, 88 है 3SGT और R35 को उसने बीट किया, बिल्कुल किया है। तो ये बहुत लीथल इंजन है, हमने इसको और बिल्ड किया है। सही है, इसके अंदर हमने हेड इसका बिल्ड कर दिया है, इसके अंदर हमने इसके पिस्टन्स बिल्ड कर दिए हैं, पिस्टन आफ्टर मार्केट डाले हैं, हेड के अंदर कैम्स आफ्टर मार्केट हैं, स्प्रिंग्स आफ्टर मार्केट हैं, उसके बाद इसके मतलब हेड कम्प्लीट आफ्टर मार्केट है फॉर ओवर बूस्ट, ठीक है। उसके बाद हेड गैस्केट हमने क्रोमेटिक के इसमें डाली है, ठीक है। ब्लॉक पिस्टन्स हम लोगों ने इसमें BC के डाले हैं जी, और उसके बाद रॉड्स एंड वो स्टॉक है, क्योंकि और सब स्टॉक है, वो सब स्टॉक है, ठीक है। अभी जो है और इंजेक्टर इसके, ये वो भी स्टॉक है, क्योंकि इसके इंजेक्टर्स बेसिकली
एक छोटी सी चीज़ से कंट्रोल्ड होते हैं और वो चीज़ है, वो भी मुझे आई वॉज लकी इनफ टू ग्रैब वन ऑफ दोज। ये जो टोयोटा का पीछे एक ये लगा हुआ है हीट सिंक का, ये पीछे तो दिस इज़ बेसिकली इंजेक्टर्स का ये एम्पलीफायर होता है ये। अच्छा। तो अगर ये मेरे, अगर यूजुअली लोगों के पास नहीं होता, आई वॉज लकी इनफ कि मुझे इंजन के साथ मिल गया था, तो मैं अपने इंजेक्टर्स को यहाँ से कंट्रोल दे सकता हूँ। सही टिन था सारा कुछ, किसी को भी ये डिस्क्लोज हमने नहीं था किया हुआ, क्योंकि हम डिस्क्लोज करते हैं तो हमें रेसों की आवाज़ें आती हैं जी कि जी आए जी रेसें लगाएं जी हमारे साथ चेक करते हैं फ्रेंडली ये वो, तो वी डोंट वॉन्ट दैट। अभी ये है कि इसको हम लोगों ने बिल्ड करके अल्हम्दुलिल्लाह इट इज़ गोइंग वेल। इसके मैं आपको स्पेसिफिकेशन दे देता हूँ। स्पेसिफिकेशन एक तो इंजन की सीसी के हवाले से बता दें, एचपी और प्लस जो ये अभी आपने इसके ऊपर सीसी इसका 2000 सीसी फ्रॉम फैक्ट्री आता है, क्योंकि हमने इसका बोर बड़ा किया है, इट इज नाउ स्टैंडिंग एट 2190 सीसी, तकरीबन 2200 सीसी के करीब है। अब मैं आपको डिटेल दे देता हूँ कि इसका फ्रंट माउंट इंटरकूलर है, ये जो सीपी रेस का लगा हुआ है, ठीक है। उसके बाद कोयो रॉड का जेन्युइन इसका, इसमें कुछ भी मैंने चाइनीज नहीं लगाया हुआ बाय द वे, सही है, नथिंग इज चाइनीज। मैं प्रेफर करता हूं कि असली चीज एक दफा इन्वेस्ट होता है और वो लाइफ टाइम, जो चाइनीज चीज है वो बार बार आपको चाहिए होगी। जी जी जी। तो कोयो रॉड का इसका रेडिएटर है, उसके बाद एच के एस का इसका रेडिएटर कैप है 1.3 bar का, और उसके बाद इसके अंदर टियाल का ब्लो ऑफ वाल्व है 50 mm, आधे पैसे इसके हैं भाई। हाँ तो उसके बाद जो है ब्लेड्स का ये आता है, इसके एयर इंटेक, इंटेक आता है, ये वो है, और उसके बाद ऑटो फैन का वो डेफी का नहीं, ये डेफी का नहीं है, ये दिस इज फॉर द टेम्परेचर कंट्रोलर इन द हल्टेक स्क्रीन। अच्छा 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 अच्छा, तो ये उसका है। सही। उसके बाद ये इसका ऑयल कैच कैन का ब्रीदर है, ये ICV का ब्रीदर है, ये ऑटो चोक कह लें उसका ब्रीदर है। MR2 के अंदर चूँकि रेडिएटर इंजन पीछे लगा हुआ होता है गाड़ी के, तो उसके रेडिएटर का यहाँ से पानी डलता है, उसमें रेडिएटर गाड़ी के आगे लगा होता है, इंजन पीछे लगा हुआ होता है उस गाड़ी के अंदर, तो उसका पीछे से पानी डलता है यहाँ से। मैंने ये रिमूव नहीं किया फॉर इट्स ओन ग्लोरी, क्योंकि वो गाड़ी एक अपना ओरिजिनलिटी है। उसके बाद ये इसका फ्यूल फिल्टर है, ये भी उसका अपना है, ये एरोमोटिव का इसमें लगा हुआ है FPR, ये सब लोग रन के लिए यूज करते हैं। ये ब्रेडेड लाइंस हैं जो ऑल द वे पीछे जा रही हैं टैंक तक। अच्छा, ये ब्रेडेड लाइन के थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर दें, क्योंकि ज़्यादातर होते हैं लोग बोलते हैं वही वो रबड़ के पाइप बहुत अच्छी क्वालिटी के। देखिए पता क्या है, देर आर टू थिंग्स, आप देखें केमिस्ट्री हम लोगों ने सबने पढ़ी हुई है। जी जी। होता क्या है कि जो फ्यूल होता है वो खाता है सर्टेन एलिमेंट्स को, जी जी, जिसमें रबर भी एक है। बिल्कुल ऐसी। जब आपका पेट्रोल रबर से गुजरता जाएगा तो वो रबर को थिन करता जाएगा और एक वक्त आएगा वो फट जाएगा। जी। ये स्टील ब्रेडेड के अंदर टेफलॉन की पाइपिंग होती है पूरी, जो टेफलॉन थ्रू आउट पीछे तक जा रहा होता है, एंड इट सपोर्ट्स एथेनॉल, इट सपोर्ट्स मेथनॉल, इट सपोर्ट्स ऑल काइंड्स ऑफ अल्कोहल्स एंड पेट्रोलियम। एक तो दफा का पक्का काम भी है कि कुछ भी नहीं होता, आपने कर दिया। दुनिया पूरी के अंदर हाई परफॉर्मेंस मोटर इंडस्ट्री के अंदर टेफलॉन ही यूज हो रहा है एज फ्यूल सप्लाई फॉर द इंजन। बाकी ये थोड़ी ड्रेसिंग भी जरा वो लगता है कि कोई सॉलिड चीज आपने लगा। हाँ, वो तो देखें ये चीजें ऐसी है ना जो रोज रोज तो नहीं करनी। बिल्कुल है, देख रहा हूँ ये काफी यहाँ पे आपने वो वैक्यूम के पाइप वगैरह यूज किए हैं, सिलिकॉन वाले, और अगर कोई दूसरा भी डाल लें तो वो भी एक अच्छी क्वालिटी के मिलते हैं हर जगह से, वो डालें। इसके अलावा बाकी सब कुछ अंदर है इंजन के। बिल्कुल, वो हम अब किसी दिन वो एंडोस्कोपी वाला कैमरा लाएंगे और वो डालेंगे, वो बताएगा अंदर क्या क्या। बिल्कुल ऐसी है। तो फायद आपने फैन भी दूसरा में रखा। हाँ जी, ये फैन क्योंकि श्राउड फिक्स वाला नहीं है, ये दूसरा फैन। देखें बेसिकली यहाँ से हवा नहीं जानी चाहिए अंदर, तो उसके लिए श्राउड अंदर फिक्स होना चाहिए। मैंने तो टाई क्लिप से बांधा हुआ है, वो सबसे फेमस चीज़ है। तो उसके बाद एक यहाँ लगा हुआ है, एक यहाँ लगा हुआ है। अच्छा। जो आगे लगा हुआ है वो इंटरकूलर को भी ठंडा कर रहा है। सही। और रेडिएटर को भी ठंडा कर रहा है। बिल्कुल सही हो गया। तो इंटरकूलर की हॉट साइड पे लगा हुआ है, तो वो हॉट साइड से हवा भी खींच रहा है और रेडिएटर को भी ठंडा कर रहा है इश्यू के साथ। ये इसका DLC है शॉक इश्यू का। तो ये वही चीज़ें जो इसकी फैक्ट्री से लग के आती हैं, जिस जगह पे लगती हैं मैंने उसी जगह पर लगाया है, वरना ये होता है अजीब से अल्टर किया। ये एक थोड़ी सी आप यूँ समझ लें, एक हमारी टकटली है उसके अंदर इंजन का जर्क बहुत ज़्यादा है। आप यहाँ से दिखाएं ज़रा व्यूअर्स को कि ये फायरवॉल के साथ इंजन ने क्या किया हुआ है पीछे से। तो इंजन का पीछे का जर्क बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इतनी हाई हॉर्स पावर इसका, इतना हाई टॉर्क इंजन है कि उसको पकड़ने का और कोई तरीका ही नहीं था कि मैं इसको यहाँ से बार डाल के इधर बांध देता, या इसको मैं एक कॉम्पैक्ट सी चीज़ बना के इस चीज़ में कन्वर्ट करता कि जिसके अंदर हम इंजन का जर्क कंट्रोल कर लेते हैं। तो वो उसका काम ये कर रहा है। नहीं, वो ज़बरदस्त एक अच्छी चीज़ है। और ये यानी देख के ये नज़र आता है कि आपने उस पर जो एफर्ट्स किए हैं
वो प्रॉपर रिसर्च के साथ की हुई हैं। कई दफ़ा ऐसा होता है रिसर्च नहीं की हुई होती, बस जिससे जो सुना हुआ ठोका लगा दिया। वैसे तो फैक्ट्री तो एक ही देती है बैटरी, बिल्कुल, लेकिन वो मैंने थोड़ा सा उसमें ज़्यादा वर्किंग करके अंदर तो एक बैटरी इसकी कर दी है, एक डिगी में जो लाइटें और बाकी गाड़ी को चला रहे हैं। सही। और इसके अलावा ये तो हो गई सेटअप की बात, अब हमने इस पे ब्रेकेज वगैरह का क्या काम किया? ब्रेकिंग इसके अंदर लगी हुई है, फ्रंट पे ट्विन पिस्टन निशान की ब्रेक्स हैं, ठीक, और स्लॉटेड उनमें रोटर है जी। और ये रोटर बड़े खुशी खुशी लाल हो जाता है, खुशी खुशी नीला हो जाता है क्योंकि ओवर स्पीड को जब हम ब्रेकिंग करते हैं तो जी 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 ये है कि ये इट इज़ अ वेरी गुड थिंग टू सपोर्ट द कार एज पर ब्रेकिंग। इस पे कम से कम 16 का रिम लगता है गाड़ी के साथ अब, क्योंकि इसका रोटर और नीचे जा बहुत बड़ा है, क्योंकि रोटर भी बड़ा है और उसकी प्लेट भी मेरे ख्याल 11 इंच की है। हाँ जी। तो उसके बाद पीछे तो जो इसका पे भी है और बैक पे भी, बैक पे इसकी जीटी का सेटअप है, जो जीटी का आता है E90 का, ठीक है, वो भी डिस्क है ये देखिए, तो बैक पे वो लगा हुआ है जबरदस्त। और ये जो व्हील स्पेक्स हैं इसका थोड़ा सा बता दें। ये व्हील है, ये है रेज वोल्क्स के है GT VR। अच्छा। ये टोक्यो ड्रिफ्ट के दौर के व्हील्स हैं, आपको टोक्यो ड्रिफ्ट में ये व्हील नज़र भी आएगा काफ़ी दफ़ा, काफ़ी गाड़ियों में लगा हुआ होता है। ये उस वाली एरा का व्हील है, 17 इंच और 8JJ है, ये 3-पीस व्हील है, इसका खोल भी सकते हैं और हम वो भी कर सकते हैं उल्टा भी सकते हैं। ये हो गया हमारा इंजन और सेटअप, इसके अलावा ब्रेकिंग का, व्हील स्पैक्स हो गए। अब आपने गाड़ी का थोड़ा सा कॉस्मेटिक बताना। कॉस्मेटिक सारी गाड़ी पूरी स्टॉक है जी, सिर्फ इसमें ये AE 101 के आपने मुझे एक दफ़ा ये दिलवाए थे, वो लगे हुए साइड स्कर्ट्स, बिल्कुल जी। हाँ, जो इसमें फ्रंट पे है वो इसके जो कैमरी GT आती है उसका लिप है जी, और वही लगा हुआ है TRD स्टाइल का लिप। हाँ है जी। इसके अलावा स्प्रिंटर का बम्पर लगाया वैन ने, स्प्रिंटर का बम्पर है, ये फॉग लाइट्स हैं, इनके कवर जो हैं वो रिमूव हो जाते हैं, मैग्नेटिक नहीं है वो हगर है, ठीक है। तो ये एक अच्छी चीज़ है जी, जब भी आपने लगाना, वरना अक्सर वो कवर ना हो तो चलान भी कर देते थे, एक ज़माना था हमारे इधर। ये है भी एपेक्स टोयोटा के, ज़बरदस्त जी। तो अच्छा, हमें फ्रंट से कूलिंग इसकी देनी थी, अक्सर लोग मुझे कहते हैं यार कि ये सुराख किस चीज़ का है। हाँ हाँ, तो ये सुराख जो है ये पीछे दौड़ा दिया तो ये इसका सुराख ऑल द वे अंदर जा रहा है, हवा के लिए जा रहा है, क्योंकि इंटरकूलर इसका यहाँ तक है जी जी। तो इंटरकूलर को हवा तो देनी है, बिल्कुल ऐसे। तो इस बम्पर में मुझे बेनिफिट ये था कि इसके यहाँ स्लॉट्स नंबर प्लेट्स में वेंट्स हैं, वेंट्स हैं ऊपर नीचे हर जगह इसके वेंट्स खुले हुए, बिल्कुल बिल्कुल। तो इसमें मुझे ये बेनिफिट बहुत ज्यादा हुआ, सही हो गया। इसके अलावा हम देख सकते हैं जी यहाँ पे हमारे फेंडर लाइट्स हैं इसमें, आगे इनने हेडलाइट्स लगाई हुई है, मगर ये ग्लास है, प्लास्टिक नहीं है, जो कि एक बहुत अच्छी चीज़ है। ग्रिल पे बैज इन 11 का किया हुआ है और ये 4-लाइनर ग्रिल लगी हुई है, जो कि ज़रा यूनिक सी चीज़ है। इसके अलावा साइड मिरर्स ये मजे के लग रहे हैं गाड़ी के साथ, लुक एक ये बोल्ट ऑन आ जाते हैं, नहीं ड्रिल करना पड़ा था। अच्छा, ड्रिल करना पड़ा तो, लेकिन इसलिए लगाए हुए हैं ये क्योंकि ये बहुत एरोडायनामिक है एज कम्पेयर टू अपने, उसकी शक्ल भी बहुत प्यारी है, यानी सूट कर रही है, मजे की लग रही है। मुझे याद है कि 180 190 के ऊपर मेरे अपने वाले बंद हो जाते थे क्योंकि उन पे एयर का इतना फोर्स है और वो इतने डिग्री पे खुलते हैं, ये थोड़े से टेढ़े जा रहे हैं बिल्कुल। तो उसके बाद जी ये स्नो वाइजर लगा हुआ है, ये इसका जेन्युइन लगा हुआ है माशाल्लाह। इस साइड पे देखें टोयोटा की बैजिंग आ जाती है। हैंडल इसके ज़रा डिफरेंट हैं क्योंकि इसमें एक क्रोम की ट्रिम आ रही है, यूजली ज़्यादातर ये होता है सादी आती हैं, सारी ट्रिम्स जो हैं क्रोम वाली हैं, स्टॉक ट्रिम्स नहीं है जैसे ब्लैक आती हैं। उसके बाद ये होल्डन की इसमें रेयर लाइट्स हैं, रेयर लाइट्स, ये भी आपकी कम्युनिटी में काफ़ी सारे लोगों को होल्डन के नाम का पता है। जी 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 बिल्कुल, ये होल्डन ओवर की ऑस्ट्रेलियन लाइट्स हैं जी जी। ये इसकी सबसे स्पेशल चीज़ है, ये कार्बन फाइबर है, दिस इज ओरिजिनल कार्बन फाइबर, ये रैप वैप नहीं किया हुआ, तो ये हवा के लिए डिफ्यूज़र है पूरी गाड़ी के नीचे ये पूरी बेस के अंदर बिछा हुआ है, ये सिर्फ लिमिटेड नहीं है कॉर्नर्स के ऊपर, ये प्रॉपर अपनी वर्किंग कर रहा है और अपनी वर्किंग को पूरा कर रहा है। ये पूरी हवा की चैनल जो पीछे से लोग आपने देखा होगा अक्सर बम्पर्स में सुराख करते हैं, जी जी डिफ्यूज़र वो है ये, हाँ ये डिफ्यूजर पूरी हवा नीचे की पीछे की तरफ निकाल देता है, ना कि कहीं पे फंसे। और ये बीच में आपने कोई सपोर्टिंग प्लेट लगाई? हाँ जी, ये सपोर्टिंग प्लेट है स्टेनलेस की, क्योंकि हवा का प्रेशर बहुत ज्यादा है तो कार्बन फाइबर भी नीचे चला जाता है जी। तो वो उसको सपोर्ट करने के लिए ये सेंटर के ऊपर ये स्टील की प्लेट है। और एग्जॉस्ट सिस्टम इसमें पूरा फुजित्सु गाइकन का लगा हुआ कैट बैक,
टाइटेनियम आगे से लेके पीछे तक FGK है और दो रेजोनेटर लगे हुए हैं, आवाज आवाज नहीं है। बहुत ही जबरदस्त, सबसे खास चीज इनके हाथ की बनी हुई है। हाँ ये रॉकेट बनी स्टाइल ये मैंने बनाया था, बट अभी ये कुछ कुछ क्रैक हो गए, कोई बात नहीं वो दोबारा बना लेंगे, रिपेयर भी हो जाएगा। और प्लास्टिक है ये, वो फाइबर तो है नहीं कि ये टूटेगा या ऐसा कुछ होगा। अब चलते हैं जी इंटीरियर की तरफ, फिर इसका एक रन भी लेते हैं। और माशाल्लाह इस गाड़ी में इंटीरियर में कोई चीज़ मेरा ख्याल कम या शॉर्ट नहीं होनी। तो सबसे पहले तो आप इसका डोर कार्ड देख सकते हैं जो कि GT इंटीरियर के साथ आता है। बस इसमें ये कि पावर वाला ऑप्शन नहीं, मैनुअल रखा हुआ है, जो कि एक अच्छी चीज़ भी मैं समझता हूँ क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स का ज़रा यूजेज कम हो जाता है। बाद आ रहे हैं वो हमें इसके हवाले से ज़रा बताते हैं। बीच में आप देख सकते हैं सेंटर कंसोल, इसमें तो इसका बटन बेसिकली पावर मिरर, इसका जो ये जो साइड मिरर है, ये रेयर मिरर है जी जी, ये थोड़ा सा फ्रंट मिरर है। अच्छा अच्छा तो ये आगे का सारा व्यू दे रहे हैं। अच्छा, और रिकॉर्ड भी करता है इसमें, यहाँ से करेंगे तो बैक पे भी कैमरा लगा हुआ है, वो भी इसमें कनेक्ट हो जाता है। अच्छा अच्छा, तो बाकी इसकी ये रिकॉर्डिंग है सारी, GPS है, रिकॉर्डिंग है, एक तरह का डैश कैम भी कह लें, डैश कैम है, और एक तरह का बहुत जबरदस्त हमारा स्टूडेंट। क्या बताएं इसका ख्याल कैसे आया? ये इसलिए आया क्योंकि आज तक 88 के अंदर कभी छत खूबसूरत नहीं दी ग्रे इंटीरियर के अंदर जी, बिल्कुल टोयोटा ने। तो मैंने घर के लिए पर्दे लिए थे, उनमें से कपड़ा बच गया था, सही, तो मैंने खुद ही छत उतार के उसको घर में बिछा के और ऊपर उसके वर्साचे का थीम दे दिया। नहीं, बहुत जबरदस्त, अच्छा एक यानी कि यूनिक एक वो है और हाँ। फिर गाड़ी के इंटीरियर के साथ जा रहा है। तो अब आते हैं हम जरा इसके डैश की तरफ क्योंकि कुछ चीजें मुझे नहीं पता, वो आपने अच्छा, बतानी है। ये है जी हमारी हालटेक का डिस्प्ले, जो हमारा ECU है, सेकेंडरी ECU, दैट इज द हालटेक एलीट 1300, उसके साथ ये कनेक्ट होता है। और वो हमारा चूँकि रेस मैप ओनली है, रेस का ECU है सिर्फ जी, तो इसलिए फिर वो इसके साथ कनेक्टेड होता है। बाकी हमारा इसके अंदर कुछ JDM चीज़ें हैं, ये चार्जर की हो गई, ये इसका कप होल्डर हो गया, बिल्कुल हो गया, ये ग्रे में नहीं मिलता, ये मुझे 6-7 साल बाद मिला, सही हो गया। और बाकी इसकी वही है, ये बूस्ट गेज है इसकी, ठीक है, और ये बटन जिसके हैं स्क्रीन के, अच्छा अच्छा, ये स्क्रीन के सेटिंग्स हैं सारी, अच्छा अच्छा, पेजेस चेंज हो जाते हैं, जबरदस्त। और ये इसका डैशबोर्ड है सारा जो डिजिटल होता है, डिजिटल डैश। स्टीयरिंग इसमें सुपरा का है, और ये इसकी इधर शिफ्ट लाइट लगी हुई है एक जी, जो शिफ्ट लाइट ओवर एफ पे हमें काम करती है, ये बड़ी अच्छी जगह लगी तो हाँ। बाकी वाइड बैंड में वाइड बैंड कंसोल इसका, ये आर्मरेस्ट जबरदस्त जी लगा हुआ है, तो फ्लोर मैट बड़े मज़े के हैं। इसके अलावा अब आपको इसकी सीट्स ज़रा चेक करा देते हैं, इसमें देखें जी GT का यह इंटीरियर है और ये वाला फैब्रिक ज़रा डिफरेंट है आम GTs में आपको नजर, ये आपको सिर्फ ट्रूनो में मिलेगा, इसको कार्बन फाइबर का वो कहते हैं डिज़ाइन कहते हैं, ये वो साइबर पंक स्टाइल था जो सिर्फ ट्रूनो के अंदर वेरिएंट में 11 के अंदर नहीं आया। अच्छा, पीछे इनने एक बड़ी ज़बरदस्त मज़ेदार चीज़ की हुई है, ये पीछे आप मैश पूरा नेट देख सकते हैं ये लगाया हुआ है फाद ने। एक तो इसकी वाइब अच्छी है, मज़ेदार लगता है, दूसरा इनको डॉग्स पैट्स का भी बड़ा शौक है, तो उनके साथ कभी ट्रैवलिंग होती तो इनने प्राइवेसी पार्टीशन या तंग ना हो कम से कम उसके लिए ये सोल्यूशन निकाला है। इसके अलावा बैक की तरफ आते हैं आपको दिखा देते हैं जी डोर कार्ड, ये भी बड़ा ज़बरदस्त साफ़ सुथरी कंडीशन के है। सीट्स इसकी देखें फुल बकेट स्टाइल है, और पीछे जो ख़ास चीज़ है इसमें एयर रेस लगा हुआ है जी, जो कि काफ़ी यूनिक सी चीज़ है। जैसे आपने इनकी 82 में देखा था डैशबोर्ड पे लगा हुआ था, ये ओरिजिनल आता है AE90 का, जो कि पिछले स्पीकर बोर्ड पे होता है, और ये पीछे इनका कैम लगा हुआ है। तो ये है जी इसका इंटीरियर, और माशाल्लाह से कंप्लीट जो इनने प्रोजेक्ट किया हुआ है, इतने सालों की मेहनत वो आपके सामने है। हम जाने लगे हैं इसका एक छोटा सा टेस्ट रन लेते हैं, उसमें आपको दिखाते हैं माशाल्लाह इसकी कैसी परफॉर्मेंस है, पिक है, एक छोटा रन लेंगे अभी हम, मैं और फहद। वो जो टर्बो वाली फील है उसकी, जो एक स्पून लेता है वो, उसकी प्रॉपर साउंड है, उसकी हवाले से भी हमें फहद बताएगा कि आम डिफरेंट 3S GT से ज़्यादा क्यों है। इसकी जो टर्बो स्पेसिफिकेशन है वो अभी फैक्ट्री है, सही चेंज है, नहीं है ठीक, लेकिन इंशाल्लाह इसका गैरेट आ रहा है वेरी सून, इंशाल्लाह तो गैरेट लगेगा, तो इसका जो पावर फिगर्स होंगे वो फिर आप लोगों के साथ शेयर होंगी, अभी वी आर नॉट शेयरिंग द पावर फिगर्स। अच्छा, सस्पेंशन के भी उसमें हम भूल गए थे, कॉइल ओवर कौन सा लगाया हुआ है?
कॉइल ओवर इसके अंदर लगाया हुआ है, फ्रंट पे बीसी रेसिंग है, ठीक है, बैक पे एचकेएस का हाइपर मैक्स है। एचकेएस हाइपर मैक्स बड़ा मशहूर है जमाना, ट्रैक सस्पेंशन है, ट्रैक सस्पेंशन हाइपर मैक्स 4 लगा हुआ है बैक साइड पे। सही, मेरे पास बीसी सस्पेंशन चारों पड़ी हुई है, ठीक, बट ड्यू टू द लिफ्ट जब गाड़ी हम पिक देते हैं एक्सेलरेट करते हैं तो वेट पीछे जाता है जी। जब वेट पीछे जाता है तो मसला ये होता है कि वो पीछे से गाड़ी बैठ जाती है और आगे से उठ जाती है जी। तो उसकी वजह से फिर मसला ये हो जाता है कि हमें लिफ्ट मिल जाती है और व्हील स्पिन में आ जाती है गाड़ी। उसको ख़त्म करने के लिए हमने पीछे स्टिफर सस्पेंशन लगाया हुआ है जो एचकेएस का हाइपर मैक्स है जी। तो अभी हम दिखाते हैं आपको इसका रन। तो उसके बाद ये है कि अभी हम वी आर जस्ट रनिंग ऑन 8 PSI, वी आर नॉट गोइंग ओवर 8 PSI फॉर द टाइम बीइंग बिकॉज रनिंग में जी। क्योंकि अभी हमने जो इसका वो डाला सामान वो सब व्हील स्पिन है। इवन अभी मैं थर्ड गियर में जाऊंगा, मैं पुल दूंगा, व्हील स्पिन आएगा जी। तो देते रहो। तो ये इनफ पावर है जी, हमने जो हमने निकाल ली है जी, जी, अल्हम्दुलिल्लाह C63s, अल्हम्दुलिल्लाह ईवो, अल्हम्दुलिल्लाह हर अच्छी गाड़ी के साथ ये भागती है। मैं ये नहीं कहूंगा उनको हराती है जी, वो गलत बात है लेकिन वो असल में नहीं, मगर वो 6 सिलेंडर से आप बड़ी यानी कि चीज की बात कर रहे हैं। और वो तो ये है कि हाँ, तो अल्हम्दुलिल्लाह उनके साथ ये उनकी लीक की गाड़ी 4 सिलेंडर के हिसाब से अगर हम देखें तो बहुत देखें जी। अब हमने अल्हम्दुलिल्लाह इसकी लीक चेंज कर दी है जी जी जी। इसकी लीक अब एक नॉर्मल वॉइस से ऊपर चली गई है। अब ये गाड़ी ईवोज और सुपराज और आर्क 7 और उन JDM चीजों की लीग में आ गई है जो बहुत तेज लीग है जी जी जी। उनके साथ अब ये कम्पीट करती है अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है, बिल्कुल ऐसी है। तो ये है कि इट इज जस्ट लाइक इतने साल जो हमारे लगे हैं जी जी, वो हमारे अल्हम्दुलिल्लाह पेड ऑफ हुए हैं। तो मेहनत जो की है, इतना जो पैसा लगाया है, घर वाले भी एक वक्त पे परेशान हो गए कि यार ये पैसा आता है जाता किधर है, ये इस गाड़ी के ऊपर, ये गाड़ी जितने की ली थी जी, तुम उससे इतने ज्यादा पैसे ऊपर क्यों लगा रहे हो जी। तो उनको खैर हमने कभी असल प्राइस तो बताई नहीं जी। तो ये है कि बहरहाल ये आप हॉलटेक की तरफ जरा व्यूअर्स को दिखाएं इसका डिस्प्ले। ये है जी रैली डिस्प्ले। इसके अंदर होता ये है कि जब हम रेव ओवर पे जाते हैं, जिस तरह रैली के अंदर आप लोगों ने देखा होगा कि वो लाइट्स जी। इसी के साथ दें हमें और फहद को इजाजत। उम्मीद है हमने कोई चीज मिस नहीं की है फहद, फिर अगर किसी ने की हुई तो मेरे पास कमेंट में पूछ लो, कमेंट में पूछ लें तो मैं कमेंट्स में जो है वो आप लोगों को जवाब दे दूंगा जी। तो बाकी इसका रन एक मैं बाहर से बनाता हूँ, आप बाहर से बनाएं, मैं एक रन दे दूँ, एक रन देते हैं, एक जाने का और एक इनके आने का। ये देखें जी फहद जा रहा है, आ गया जी फहद वापस। ब्रेकिंग आप चेक करें, माशाल्लाह बहुत ही आला। अल्लाह पाक इन्हें नसीब करें। इसी के साथ मुझे और फहद को दें इजाज़त, फिर होगी मुलाकात बहुत जल्द। चैनल को करें लाइक एंड सब्सक्राइब। अल्लाह हाफिज़।